तुम इतने घायल हो गए मेरे प्यार में मसीहा, तुम इतने पागल क्यों हुए मेरे प्यार में मसीहा, तुम इतने घायल हो गए। प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे पल्लीवासियों, आज गुड फ्राइडे अर्थात पवित्र शुक्रवार है। आज के दिन जरूर हमारे चर्च में आकर क्रूस यात्रा और पवित्र विधि में भाग लेते, लेकिन इन दिनों हम सब जानते हैं कि हमारे देश में और पूरे संसार में कोरोना वायरस की जो महामारी फैली है उसके कारण आज हम नहीं आ सकते हमारे चर्च में, लेकिन उसके बावजूद हम हमारे घरों में क्रूस यात्रा और पवित्र विधि का जो प्रसारण हम कर रहे हैं उसे आप देख सकते हैं। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जो क्रूस यात्रा और पवित्र विधि का हम यहाँ से प्रसारण कर रहे हैं, अपने घरों में अपने परिवार के साथ इसे देखें और देखने के साथ साथ मनन चिंतन करते हुए प्रार्थना करें। मैं आप लोगों से एक और अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे इस पूरे संसार में जो कोरोना की महामारी फैली है उसके लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करें कि प्रभु उन सभी डॉक्टरों को, उन सभी साइंटिस्ट को आशीर्वाद दे, कृपाएं दे, प्रेरणा दे, जिसे जल्द से जल्द इस बीमारी की वैक्सीन वो तैयार कर सके और इस वायरस का जड़ से खात्मा हो सके। साथ ही साथ हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो संक्रमित है, जो इस वायरस से ग्रसित है, प्रभु उनको भी चंगाई प्रदान करे। हम जरूर लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें जिससे हम इस बीमारी से दूर रह सके, और विशेष रूप से आज के दिन हम ईश्वर से प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद ईसा ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। हे दयालु यीशु, आपने मुझसे कितना प्रेम किया कि मेरे पापों के कारण स्वयं दुख उठाकर क्रूस पर मर गए। इसी तरह आपने मुझे नरक से बचाया। दया करके मुझे वो शक्ति प्रदान कर कि मैं आपके पवित्र क्रूस के मार्ग के दुखों की याद करते ही अपने पापों पर पश्चाताप कर सकूं। मैं भविष्य में उनसे बचने के दृढ़ संकल्प भी कर सकूं। मैं आपका शिष्य होने के नाते अपना क्रूस अर्थात मेरे दैनिक जीवन के छोटे मोटे शारीरिक कष्ट, मानसिक क्लेश और अपमान आदि खुशी के साथ जी सकूं। सबों का जो न्याय करता बड़ी गरीबी से सुनता, अपने मरने का हुक्म। पहला विश्राम, यीशु ख्रिस्त को प्राणदंड की आज्ञा दी जाती है। हे ख्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। पिलातुस जानते हुए भी कि यीशु बिल्कुल निर्दोष हैं, बड़े अन्याय के साथ उन्हें उनके शत्रुओं के हाथों इसलिए सौंप देते हैं कि वे अपनी इच्छा के अनुसार
उन्हें क्रूस पर चढ़ावे। हे भले यीशु, मुझे अनंत जीवन दिलाने हेतु आपने क्रूस पर अन्यायपूर्ण प्राणदंड की आज्ञा ग्रहण की। आपके इस प्रेम के लिए मैं सारे हृदय से धन्यवाद करता हूँ। हे प्रभु, हम पर दया कर। हमारे विश्वास की आत्माएं परमेश्वर की दया शांत करने वास करें। दूसरा विश्राम, यीशु के कंधे पर क्रूस लादा जाता है। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। सिपाही लोग यीशु की हंसी उड़ाकर उनके लिए एक भारी क्रूस ले आते हैं। यीशु अपने हाथ बढ़ाकर उसे ग्रहण करते हैं। कोड़ों की चोटों से उनका शरीर थक चुका था, कमजोर होते हुए भी वे क्रूस अपने कंधों पर रखकर क्रूस यात्रा शुरू करते हैं। हे यीशु मेरे गुरु, आपने कहा यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्म त्याग करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। मैं आपका शिष्य होना चाहता हूं, मैं आत्मत्याग और दुखों का क्रूस धीरज के साथ ढो सकूं। हे प्रभु, हम पर दया कर। तीसरा विश्राम, यीशु पहली बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। हे क्रिस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। क्रूस ढोते ढोते यीशु कलवारी पहाड़ की ओर बढ़ते हैं, लेकिन यीशु कांटों के मुकुट तथा कोड़ों की मार की चोटों से निकले लहू के कारण कमजोर हो जाते हैं, थक कर वे भूमि पर गिर पड़ते हैं। हे निर्दोष यीशु, मेरे कारण मुझे पाप से बचाने के लिए आपने इतने दुख सहे। आप क्रूस के बोझ से उतने नहीं जितने मनुष्य के असंख्य पापों के बोझ से थक कर नीचे गिर पड़े। मैं भी आपकी खातिर अपने दुखों का बोझ उठाऊंगा। आपकी आज्ञाओं का मधुर जुआ मैं साहस पूर्वक ढो सकूं। प्रणाम मरिया। हे प्रभु, हम पर दया कर। शांति निवास करें। उठी उसने रास्ता लिया, तो उसे मिली मरिया, दोनों का सादर। चौथा विश्राम, यीशु अपनी शोकाकुल माता से मिलते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। उठकर यीशु फिर क्रूस ढोने लगते हैं। धीरे धीरे से उस जगह पहुंचते हैं जहां सड़क के किनारे खड़ी उनकी पवित्र माता उनकी राह देख रही थी। वे आपस में बात तो नहीं कर सकते, किंतु फिर भी अपना दुख एक दूसरे पर
प्रकट कर देते हैं। हे दुखमय माता मरियम, मुझे अपने समान दुख में भी यीशु का अनुसरण करना सिखाइए। सुखों के साथ उनके कारण होने वाले दुखों को भी मैं सहर्ष स्वीकार कर सकूं। हे प्रभु हम पर दया कर। आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास करें। हम पकड़ते यीशु को दें। पांचवा विश्राम, सैनिक किरी निवासी सिमोन को यीशु का क्रूस उठाकर ले चलने के लिए बाध्य करते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। यीशु इतने निर्बल हो गए हैं कि क्रूस का बोझ अकेले नहीं ढो सकते, किंतु उनकी सहायता करने को कोई भी तैयार नहीं है। सिपाही लोग यह सोचकर कि भारी थकावट व निर्बलता के कारण यीशु मार्ग में ही न मरे, सिमोन नामक किरी निवासी जो अपने खेत से लौट रहा था पकड़ लेते हैं कि यीशु का क्रूस उठाकर ले चले। हे प्रभु यीशु, मुझे सिखाइए कि कुड़कुड़ा कर नहीं बल्कि धीरज के साथ मुझे आपके नाम के कारण आए दुख सहना है। हे प्रभु हम पर दया कर। छठवां विश्राम, वेरोनिका यीशु को अंगोचा देती है। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। यह देखकर कि यीशु का पवित्र मुख लहू लुहान हो गया है, रास्ता चलती वेरोनिका नामक एक धार्मिक स्त्री दयापूर्वक उन्हें अपने पास का तौलिया देती है। उसे ग्रहण कर यीशु उसे अपना रक्त रंगित चेहरा पहुंचते ही उसमें अपने पवित्र मुख का रूप छाप देते हैं। हे मसीह, स्नान संस्कार में मैंने आपको धारण किया है, मुझ पर आपकी एक अमिट छाप है। आपने मुझ पर पवित्र आत्मा की मोहर लगाई है, मुझे साहस एवं शक्ति दीजिए कि इस बुलावे के अनुसार मैं विनम्रता, सौम्यता तथा सहनशीलता का आचरण कर सकूं। हे प्रभु हम पर दया कर। रंगों से चलते ही मुझाता यीशु गिरता दूसरी बार। सातवां विश्राम, यीशु दूसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। कोड़ों की मार एवं मुकुट के कांटों के छेदन से काफी लहू बह चुका था, क्रूस का वजन भी अधिक था, अतः प्रभु यीशु बहुत निर्बल होकर थक चुके थे। सैनिक लोग उधर उन्हें रास्ते में मारते जाते व ढकेलते हैं कि वे जल्दी पहुंच सके। यीशु ठोकर खाकर पुनः धरती पर गिर पड़ते हैं।
हे प्रभु येसु, सैनिक लोग आपको सड़क पर गिरा देखकर भी दया नहीं करते, बल्कि लात मारते और क्रूस उठवाते हैं। मैं ठीक ठीक जानता हूं कि मेरे कारण, मेरे बार बार पाप करने के कारण आपको इतना दुख व निंदा सहनी पड़ती है। क्षमा कीजिए हे प्रभु, क्षमा कीजिए। प्रणाम मरिया, हे प्रभु हम पर दया कर। आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास कर रहे हैं। आठवां विश्राम, यरूशलेम की स्त्रियां यीशु के लिए कलपती है। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। प्रभु यीशु को क्रूस ढोने में असहाय दुख होते देख शहर की कुछ धार्मिक स्त्रियां उनके लिए रोने व कलपने लगती है। यीशु ये जानकर कि यरूशलेम के निवासी अपने अविश्वास के कारण कुछ ही वर्षों में नष्ट हो जाएंगे, उन स्त्रियों से कहते हैं, हे यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रो। हे दयालु यीशु, मैं आपके दुख भोग और अपने पापों पर रोता हूं, मुझे क्षमा प्रदान कीजिए, क्योंकि निरोगों को नहीं रोगियों को वैद्य की जरूरत होती है। आप मुझ जैसे पापियों को ही बुलाने आए हैं। हे प्रभु हम पर दया कर। नवा विश्राम, यीशु तीसरी बार गिरते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। प्रभु यीशु क्रूस ढोते ढोते इतने निर्बल हो जाते हैं कि वे पुनः तीसरी बार क्रूस के नीचे गिरते हैं। सिपाही मार मार कर उनसे क्रूस उठवाते हैं और पहाड़ी की ओर ले जाते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, आप इतने निर्बल क्यों हो गए कि अपना क्रूस नहीं उठा सके और भूमि पर फिर गिर पड़े। हाय, यह सब मेरे पापों के कारण हुआ जिनका बदला आपने देना चाहा। मैं घुटने टेक कर आपसे क्षमा मांगता हूं। प्रणाम मरिया, हे प्रभु हम पर दया कर। दसवां विश्राम, सैनिक यीशु के कपड़ों को उतारते हैं। हे ख्रीस्त, हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं। क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के प्रताप से इस दुनिया को बचाया।
कलवारी टेकरी पहुंचकर सैनिक लोग यीशु को क्रूस पर ठोकने की तैयारी करते हैं। उनके पवित्र शरीर के घावों से चिपके हुए कपड़ों को वे निर्दयता पूर्वक जोर से खींच लेते हैं और यीशु को असहाय कष्ट से छटपटाते हुए देखकर उनकी हंसी उड़ाते हैं। हे प्रेमी यीशु, बपतिस्मा संस्कार में मैंने आपको ओढ़ लिया है। अपने समान मुझ में भी पाप से घृणा और ईश्वर का प्रेम भर दीजिए कि मुझ में मैं नहीं आप ही जीवित रहें। हे प्रभु हम पर दया कर। की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति में निवास कर रही हैं। लकड़ी में अब ठोका यीशु सदिया पिता को तेरा तो ग्यारहवां विश्राम यीशु क्रूस पर ठोके जाते हैं। हे क्रिस्त हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के प्रताप से इस दुनिया को बचाया। यीशु के कपड़े उतार कर सैनिक लोग उन्हें क्रूस पर लेटा देते हैं। उनके हाथ पांव में कीले ठोंक कर उन्हें वे क्रूस पर टंगा देते हैं। यीशु मनुष्य की मुक्ति पाने के लिए अपने सनातन पिता के चरणों में अपने दुखमय अंगों को समर्पित करते हैं। हे मुक्तिदाता, आपने कहा था जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा तब सबको अपने पास खींचूंगा। बहुत से लोग न तो आपको अब तक जानते ही हैं और ना आपसे प्रेम ही करते हैं। कृपया उन्हें भी अपनी ओर खींच ले ताकि वे आपके क्रूस के पुण्य फलों के भागी होकर अनंत सुख प्राप्त कर सके। हे प्रभु हम पर दया कर। तीन ही घंटे अपने दुश्मनों को क्षमा दे यीशु छोड़ते अपनी जान। बारहवां विश्राम यीशु क्रूस पर मर जाते हैं। हे क्रिस्त हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के प्रताप से इस दुनिया को बचाया। क्रूस पर लटके हुए प्रभु यीशु बहुत कष्ट उठा रहे हैं। उनका थका हुआ सिर कांटों के मुकुट के कारण जरा भी आराम नहीं पाता तथा हाथ पांव में लगे हुए कीले खूब जलते हैं। क्रूस के नीचे उनके शत्रु उनकी हंसी उड़ाते हैं। 3 घंटों के बाद अपने स्वर्गिक पिता को अपने प्राण समर्पित करके यीशु सिर झुकाकर मर जाते हैं। हे प्रभु यीशु, आपने मनुष्य के लिए सब कुछ दे डाला यहां तक कि अपने प्राण भी। आपने अपने शत्रुओं को भी क्षमा दी। कृपया मुझे भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन के अंत तक पूरे करने का साहस और अपने प्राण आपके चरणों में अर्पण करके मरने का अवसर प्रदान कीजिए। हे हमारे पिता, राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा दिन का हाथ हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु आपके साथ है, धन्य स्त्रियों में और धन्य आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया अपने ईश्वर की माँ प्रार्थना कर पापी के लिए अब हमारे मिलने के समय। आमीन।
हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। उतार दे और भक्ताई से आराधते, जिसकी गदी माँ की धैया। तेरवा विश्राम यीशु क्रूस पर से उतारे जाते हैं। हे ख्रीस्त हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के प्रताप से इस दुनिया को बचाया। प्रभु यीशु के मरने के बाद एक सिपाही भाले से उनकी बगल छेद देता है और तुरंत लहू और पानी बहने लगता है, और फिर यूसुफ और निकोदेमुस नामक यीशु के दो शिष्य उनकी पवित्र लाश क्रूस पर से उतार कर मरियम की गोद में रख देते हैं। हे स्वर्गीय पिता, तेरे पुत्र के क्रूस पर टंगाए जाने पर उनकी मां मरियम उनके निकट उनके दुख में दुख सहती खड़ी थी। तेरी कलीसिया मसीह के दुख भोग और मरण में भागी होकर उनके पुनरुत्थान की सहभागिनी बन जाए। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। मरे सचिव की आत्मा ईश्वर की दया से शांति में रहे। माता के हाथों में से ये जो कोते हैं चेले, नाही पत्री लिखा। चौदवा विश्राम यीशु की लाश कब्र में रखी जाती है। हे ख्रीस्त हम आपकी आराधना करते और आपको धन्य मानते हैं, क्योंकि आपने अपने पवित्र क्रूस के प्रताप से इस दुनिया को बचाया। कुंवारी मरियम और कुछ शिष्य यीशु की पवित्र लाश को दफन के लिए तैयार करते हैं। वे उसे छालटी के कफन में लपेटते हैं और पास वाले बाग में ले जाकर एक चट्टान की खुदी हुई कब्र में रख देते हैं। तब कब्र के मुंह पर एक बड़ा सा पत्थर लुढ़काकर सब शोकाकुल होकर चले जाते हैं। हे विजय यीशु, आपका शरीर केवल 3 ही दिन कब्र में रहा, तब आप अपार महिमा में जी उठे। इस प्रकार मानव जाति का मुक्ति कार्य अर्थात आपका दुख भोग मरण एवं पुनरुत्थान पूर्ण हुआ। बपतिस्मा द्वारा आपने मुझे इस रहस्य में आध्यात्मिक सहभागिताएं प्रदान की। हे प्रभु हम पर दया कर, हम पर दया कर। तेरे मुझे जोड़े सारे हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे लिए आपने बहुत दुख सहा, हम आपको धन्यवाद देते हैं। पापों से दूर रहकर और सेवा कार्य करते हुए हम भी आपको और एक दूसरे को प्यार करने की कोशिश करें। संत पापा के मनोरथ के लिए प्रार्थना है हमारे पिता स्वर्ग। और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु करो साथ में हमारी पल्ली के सब परिवारों के लिए प्रार्थना। प्रणाम मरिया,
सारे संसार में जो महामारी कोरोना वायरस की फैली है, हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु का आशीर्वाद, प्रभु की प्रेरणा उन सभी डॉक्टर्स और साइंटिस्ट के ऊपर मिले, जिससे जल्दी से जल्दी इस बीमारी का वैक्सीन तैयार करें और इस कोरोना वायरस का जड़ से खात्मा हो सके। प्रणाम मरिया। हे संत मरियम, मैं सबकी माँ प्रार्थना कर पापी के लिए अब और हमारे मरने के समय। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु, तेरे पुत्र ने अपना रक्त बहाकर हमारे लिए पास का रहस्य स्थापित किया है। अपने असीम दया की याद कर, तू अपने भक्तों को सदा के लिए अपने शरण में ले ले और उन्हें पवित्र कर। हम यह मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भी इतिहास का ग्रंथ। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। देखो, मेरे सेवक का नाम फैल जाएगा, वह महिमानित किया जाएगा और अत्यंत महान होगा। उसकी आकृति इतनी विरूपित की गई थी कि वह मनुष्य नहीं जान पड़ता था। लोग देखकर दंग रह गए थे। उसी की ओर बहुत से राष्ट्र आश्चर्यचकित होकर देखेंगे और उसी के सामने राजा मौन रहेंगे, क्योंकि उनके सामने एक अपूर्व दृश्य आ जाएगा और जो बात कभी सुनने में नहीं आई वे उसे अपनी आँखों से देखेंगे। कौन हमारे संदेश पर विश्वास करेगा? प्रभु का सामर्थ्य किस पर प्रकट हुआ है? वह हमारे सामने एक छोटे से पौधे की तरह, सूखी भूमि की जड़ की तरह बढ़ गया। हमने उसे देखा था, उसमें ना तो सुंदरता थी, ना तेज, ना कोई आकर्षण ही था। वह मनुष्यों द्वारा निंदित और तिरस्कृत था, शोक का मारा और अत्यंत दुखी था। लोग जिन्हें देखकर मुंह फेर लेते हैं, उन्हीं की तरह वह तिरस्कृत और तुच्छ समझा जाता था। परंतु वह हमारे ही रोगों को अपने ऊपर लेता था और हमारे ही दुखों से लदा हुआ था, और हम उसे दंडित, ईश्वर का मारा हुआ और तिरस्कृत समझते थे। हमारे पापों के कारण वह छेदित किया गया। हमारे कुकर्मों के कारण वह कुचल दिया गया है। जो दंड वह भोगता था उसके द्वारा हमें शांति मिली है और उसके घावों द्वारा हम भले चंगे हो गए हैं। हम सब अपना अपना रास्ता लेकर भेड़ों की तरह भटक रहे थे,
उसी पर प्रभु ने हम सबों के पापों का भार डाल दिया। वो अपने पर किया हुआ अत्याचार धैर्य से सहता गया और चुप रहा। वध के लिए ले जाए जाने वाले मेमने की तरह और ऊन कतरने वाले के सामने चुप रहने वाली भेड़ की तरह उसने अपना मुंह नहीं खोला। वे उसे बंदीगृह और अदालत को ले गए, कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया है और हमारे पापों के कारण वह मार डाला गया है। यद्यपि उसने कोई अन्याय नहीं किया था और उसके मुंह से कभी छल कपट की बात नहीं निकली थी, किंतु उसकी कब्र विधर्मियों के बीच बनाई गई है और वह पापियों के साथ दफनाया गया है। प्रभु ने चाहा कि वह दुख से रोंदा जाए। उसने प्रायश्चित के रूप में अपना जीवन अर्पित किया, इसलिए उसका वंश बहुत दिनों तक बना रहेगा और उसके द्वारा प्रभु की इच्छा पूरी होगी। वह अपने दुख भोग का परिणाम देखकर संतुष्ट होगा। उसने दुख सहकर जिन लोगों का अधर्म अपने ऊपर ले लिया था, वह उन्हें उनके पापों से मुक्त करेगा। इसलिए मैं उसे विरासत के रूप में बहुतों को प्रदान करूंगा और वह शक्तिशाली राजाओं के साथ लूट का माल बांट लेगा, क्योंकि उसने बहुतों के अपराध अपने ऊपर लेते हुए और पापियों के लिए प्रार्थना करते हुए अपने को बलि चढ़ा दिया और उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई। यह प्रभु की वाणी है। अनुवाक्य: हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरी शरण में आया हूँ, मुझे कभी निराश न होने दे। तू सत्य प्रतिज्ञ है, मेरा उद्धार कर। मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथों सौंप देता हूँ। हे प्रभु, तू ही मेरा उद्धार करेगा। अनुवाद किया। मेरे विरोधी मेरा उपहास करते हैं, मेरे पड़ोसी मुझसे घृणा करते हैं, मेरे परिचित मुझसे डर जाते हैं। जो मुझे रास्ते में देखते हैं वे भाग जाते हैं। मैं मुर्दे की तरह भुला दिया गया हूँ, टूटे घड़े की तरह फेंक दिया गया हूँ। हे पिता, मैं अपनी आत्मा को, हे प्रभु, तुझ पर ही मेरा भरोसा है। मैंने कहा तू ही मेरा ईश्वर है, तेरे ही हाथों मेरा भाग्य है, शत्रुओं और अत्याचारियों से मुझे बचा। हे पिता, अपने सेवक पर दया दृष्टि कर, तू दया सागर है, मुझे बचाने की कृपा कर। जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे सब के सब साहस पूर्वक धारस रखें। दूसरा पाठ, इब्रानियों के नाम पत्र। पाठ के विषय: उन्होंने आज्ञा पालन सीख लिया और वह उन सबों के लिए मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। भाइयों, हमारे एक अपने महान सहायक हैं, अर्थात ईश्वर के पुत्र यीशु, जो स्वर्ग पहुंच गए हैं। इसलिए हम अपने विश्वास में सुदृढ़ रहे। हमारे महायाजक हमारी दुर्बलताओं में हमसे सहानुभूति रख सकते हैं, क्योंकि पाप को छोड़कर सभी बातों में हमारी ही तरह उनकी परीक्षा ली गई। इसलिए हम भरोसे के साथ अनुग्रह के सिंहासन के पास जाए, जिससे हमें दया मिल जाए और हम वह कृपा प्राप्त करें जो हमारी आवश्यकताओं में हमारी सहायता करेगी। यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते समय पुकार पुकार कर और आंसू बहाकर ईश्वर से, जो उन्हें मृत्यु से बचा सकता था, प्रार्थना और अनन्य विनय की है। श्रद्धा के कारण उनकी प्रार्थना सुनी गई।
ईश्वर का पुत्र होने पर भी उन्होंने दुख सहकर आज्ञा पालन सीख लिया। वह पूर्ण रूप से सिद्ध बनकर उन सबों के लिए अनंत मुक्ति का स्रोत बन गए जो उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं। यह प्रभु की वाणी है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ ही। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का दुर्भोग। यीशु अपने शिष्यों के साथ केद्रोन नाले के उस पार गए। वहां एक बारी थी, उन्होंने अपने शिष्यों के साथ उसमें प्रवेश किया। उनके विश्वासघाती यूदस को भी वह जगह मालूम थी, क्योंकि यीशु अक्सर अपने शिष्यों के साथ वहां गए थे। इसलिए यूदस पलटन और महायाजकों तथा फरीसियों के भेजे हुए प्यादों के साथ वहां आ पहुंचा। वे लोग लालटेने, मशाले और हथियार लिए थे। यीशु यह जानकर कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी, आगे बढ़े और उनसे बोले, किसे ढूंढते हो? उन्होंने उत्तर दिया, यीशु नाजरी को। यीशु ने उनसे कहा, मैं वही हूं। वहां उनका विश्वासघाती यूदस भी उन लोगों के साथ खड़ा था। जब यीशु ने उनसे कहा मैं ही हूं, तो वे पीछे हटकर भूमि पर गिर पड़े। यीशु ने उनसे फिर पूछा, किसे ढूंढते हो? वे बोले, यीशु नाजरी को। इस पर यीशु ने कहा, मैं तुम लोगों से कह चुका हूं कि मैं वही हूं। यदि तुम मुझे ढूंढते हो तो इन्हें जाने दो। यह इसलिए हुआ कि उनका यह कथन पूरा हो जाए, तूने जिन्हें मुझे सौंपा है मैंने उनमें से एक का भी सर्वनाश नहीं होने दिया। उस समय सिमोन पेत्रुस ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उनका दाहिना कान उड़ा दिया। उस नौकर का नाम मलकुस था। यीशु ने पेत्रुस से कहा, तलवार म्यान में रख लो, जो प्याला पिता ने मुझे दिया है क्या मैं उसे नहीं पीऊं? तब पलटन, कप्तान और यहूदियों के प्यादों ने यीशु को पकड़कर बांध लिया। वे उन्हें पहले अन्नास के यहां ले गए, क्योंकि वह उस वर्ष के प्रधान याजक कैफस का ससुर था। वह वही कैफस था जिसने यहूदियों को यह परामर्श दिया था, अच्छा यही है कि राष्ट्र के लिए एक ही मनुष्य मर जाए। सिमोन पेत्रुस और एक दूसरा शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले। यह शिष्य प्रधान याजक का परिचित था और यीशु के साथ प्रधान याजक के प्रांगण में चला गया, किंतु पेत्रुस फाटक के पास बाहर खड़ा रहा। इसलिए वह दूसरा शिष्य जो प्रधान याजक का परिचित था फिर बाहर गया और द्वारपाली से कहकर पेत्रुस को भीतर ले आया। द्वारपाली ने पेत्रुस से कहा, कहीं तुम भी तो उस मनुष्य के शिष्य नहीं हो? उसने उत्तर दिया, नहीं हूं। जाड़े के कारण नौकर और प्यादे आग सुलगाकर ताप रहे थे, पेत्रुस भी उनके साथ आग तापने लगा। प्रधान याजक ने यीशु से उनके शिष्यों और उनकी शिक्षा के विषय में पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, मैं संसार के सामने प्रकट रूप से बोला हूं। मैंने सदा सभा गृह और मंदिर में, जहां सब यहूदी एकत्र हुआ करते हैं, शिक्षा दी है। मैंने गुप्त रूप से कुछ नहीं कहा। यह आप मुझसे क्यों पूछते हैं? उनसे पूछिए जिन्होंने मेरी शिक्षा सुनी है, वे जानते हैं कि मैंने क्या क्या कहा। इस पर पास खड़े प्यादे में से एक ने यीशु को थप्पड़ मारकर कहा, तुम प्रधान याजक को इस तरह का जवाब देते हो? यीशु ने उससे कहा, यदि मैंने गलत कहा तो गलती बता दो,
और यदि ठीक कहा तो मुझे क्यों मारते हो। इसके बाद अन्नास ने बांधे हुए यीशु को प्रधान याजक कैफस के पास भेज दिया। सिमोन पेत्रुस उस समय आग ताप रहा था। कुछ लोगों ने उससे कहा, कहीं तुम भी तो उसके शिष्य नहीं हो। उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं हूं। प्रधान याजक का एक नौकर उस व्यक्ति का संबंधी था जिसका कान पेत्रुस ने उड़ा दिया था। उसने कहा, क्या मैंने तुमको उसके साथ बारी में नहीं देखा था। पेत्रुस ने फिर अस्वीकार किया और उसी क्षण मुर्गे ने बांग दी। तब वे यीशु को कैफस के यहां से राज्यपाल के भवन ले गए। अब भोर हो गया था। उन्होंने इसलिए भवन में प्रवेश नहीं किया कि वे अशुद्ध न हो जाए, बल्कि पास्का का मेमना खा सके। पिलातुस बाहर आकर उनसे मिला और बोला, आप लोग इस मनुष्य पर कौन सा अभियोग लगाते हैं। उन्होंने उत्तर दिया, यदि यह कुकर्म नहीं होता तो हमने इसे आपके हवाले नहीं किया होता। पिलातुस ने उनसे कहा, आप लोग इसे ले जाइए और अपनी संहिता के अनुसार इसका न्याय कीजिए। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमें किसी को प्राण दंड देने का अधिकार नहीं है। यह इसलिए हुआ कि यीशु का वह कथन पूरा हो जाए जिसके द्वारा उन्होंने संकेत किया था कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी। तब पिलातुस ने भवन में वापस जाकर यीशु को बुला भेजा और उनसे कहा, क्या तुम यहूदियों के राजा हो। यीशु ने उत्तर दिया, क्या आप यह अपनी ओर से कहते हैं या दूसरों ने आपसे मेरे विषय में कहा है। पिलातुस ने कहा, क्या मैं यहूदी हूं। तुम्हारे ही लोगों ने और महायाजकों ने तुम्हें मेरे हवाले कर दिया है, तुमने क्या किया है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे अनुयायी लड़ते और मैं यहूदियों के हवाले नहीं किया जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो तुम राजा हो। यीशु ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं, मैं राजा हूँ। मैं इसलिए जन्मा और इसके संसार में आया हूँ कि सत्य के विषय में साक्ष्य दूं। जो सत्य के विषय के पक्ष में है वह मेरी सुनता है। पिलातुस ने उनसे कहा, सत्य क्या है। वह यह कहकर फिर बाहर गया और यहूदियों के पास आकर उसने उनसे कहा, मैं तो उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं, लेकिन तुम्हारे लिए पास्का के अवसर पर एक बंदी को रिहा करने की प्रथा है। क्या तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहूदियों के राजा को रिहा कर दूं। इस पर वे फिर चिल्लाने लगे, इसे नहीं बराबस को। बराबस तो डाकू था। तब पिलातुस ने यीशु को ले जाकर कोड़े लगाने का आदेश दिया। सैनिकों ने कांटों का मुकुट गूंथकर उनके सिर पर रख दिया और उन्हें बैंगनी कपड़ा पहनाया। फिर वे उसके पास आ आ कर कहने लगे, यहूदियों के राजा प्रणाम, और वे उन्हें थप्पड़ मारते जाते थे। पिलातुस ने फिर बाहर जाकर लोगों से कहा, देखो मैं उसे तुम लोगों के सामने बाहर ले आता हूं, जिसे तुम यह जान लो कि मैं उसमें कोई भी दोष नहीं पाता हूं। तब यीशु कांटों का मुकुट और बैंगनी कपड़ा पहने बाहर आए। पिलातुस ने लोगों से कहा, यही है वह मनुष्य। महायाजक और प्यादे उन्हें देखते ही चिल्ला उठे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, तुम ही इसे ले जाओ और क्रूस पर चढ़ाओ, मैं तो इसमें कोई भी दोष नहीं पाता। यहूदियों ने उत्तर दिया, हमारी एक संहिता है और उस संहिता के अनुसार यह प्राण दंड के योग्य है, क्योंकि इसने ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है। पिलातुस यह सुनकर और भी डर गया। उसने फिर भवन के अंदर जाकर यीशु से पूछा, तुम कहां के हो। किंतु यीशु ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा,
तुम मुझसे क्यों नहीं बोलते? क्या तुम ये नहीं जानते कि मुझे तुमको रिहा कर देने का भी अधिकार है और तुमको क्रूस पर चढ़वाने का भी? यीशु ने उत्तर दिया, यदि आपको ऊपर से अधिकार न दिया गया होता तो आपका मुझ पर कोई अधिकार नहीं होता। इसलिए जिसने मुझे आपके हवाले किया वह अधिक दोषी है। उस समय से पिलातुस यीशु को मुक्त करने का उपाय ढूंढने लगा, परंतु यहूदी चिल्लाकर कहने लगे, यदि आप इसे रिहा करते हैं तो आप कैसर के हितैषी नहीं है। जो अपने को राजा कहता है वह कैसर का विरोध करता है। यह सुनकर पिलातुस ने यीशु को बाहर ले आने का आदेश दिया। वह अपने न्यायासन पर उस जगह जो लिथोस त्रोतोस और इब्रानी में गबत्ता कहलाती है बैठ गया। पास्का की तैयारी का दिन था, लगभग दोपहर का समय था। पिलातुस ने यहूदियों से कहा, यही है तुम्हारा राजा। इस पर वे चिल्ला उठे, ले जाइए ले जाइए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने उनसे कहा, क्या मैं तुम्हारे राजा को क्रूस पर चढ़वा दूं? महायाजकों ने उत्तर दिया, कैसर के सिवा हमारा कोई राजा नहीं। तब पिलातुस ने यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के लिए उनके हवाले कर दिया। वे यीशु को ले गए और वह अपना क्रूस ढोते हुए खोपड़ी की जगह नामक स्थान गए। इब्रानी में उसका नाम गोलगोथा है। वहां उन्होंने यीशु को और उनके साथ और दो व्यक्तियों को क्रूस पर चढ़ाया, एक को इस ओर, दूसरे को उस ओर, और बीच में यीशु को। पिलातुस ने एक दोष पत्र भी लिखवाकर क्रूस पर लगवा दिया। वह इस प्रकार था, यीशु नाजरी यहूदियों का राजा। बहुत से यहूदियों ने यह दोष पत्र पढ़ा, क्योंकि वह स्थान जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे शहर के पास ही था, और दोष पत्र इब्रानी, लातिनी और यूनानी भाषा में लिखा हुआ था। इसलिए यहूदियों के महायाजकों ने पिलातुस से कहा, आप न लिखिए यहूदियों का राजा, बल्कि इसने कहा कि मैं यहूदियों का राजा हूं। पिलातुस ने उत्तर दिया, मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया। यीशु को क्रूस पर चढ़ाने के बाद सैनिकों ने उनके कपड़े ले लिए और कुर्ते के सिवा उन कपड़ों के चार भाग कर दिए, हर सैनिक के लिए एक भाग। उस कुर्ते में सीवन नहीं था, वह ऊपर से नीचे तक पूरा का पूरा बुना हुआ था। उन्होंने आपस में कहा, हम इसे नहीं फाड़ें, चिट्ठी डालकर देख लें कि यह किसे मिलता है। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए, उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे वस्त्र पर चिट्ठी डाली। सैनिकों ने ऐसा ही किया। यीशु की माता, उसकी बहन क्लोपस की पत्नी मरियम और मरियम मगदलेना उनके क्रूस के पास खड़ी थी। यीशु ने अपनी माता को और उसके पास अपने शिष्य को, जिसे वह प्यार करते थे, देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उसे उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहाँ आश्रय दिया। तब यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका है, धर्म ग्रंथ का लेख पूरा करने के उद्देश्य से कहा, मैं प्यासा हूँ। वहां खट्टी अंगूरी से भरा एक पात्र रखा था, लोगों ने उसमें एक पन सोखता डुबाया और उसे जूफे की डंडी पर रखकर यीशु के मुंह से लगा दिया। यीशु ने खट्टी अंगूरी चखकर कहा, सब पूरा हो चुका है, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। वह तैयारी का दिन था। यहूदी यह नहीं चाहते थे कि शव विश्राम के दिन क्रूस पर रह जाए,
क्योंकि उस विश्राम के दिन बड़ा त्योहार पड़ता था। उन्होंने पिलातुस से निवेदन किया कि उनकी टांगें तोड़ दी जाए और शव हटा दिए जाए। इसलिए सैनिकों ने आकर यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए हुए पहले व्यक्ति की टांगें तोड़ दी, फिर दूसरे के भी। जब उन्होंने यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुके हैं तो उन्होंने उनकी टांगें नहीं तोड़ी, लेकिन एक सैनिक ने उनकी बगल में भाला मारा और उसमें से तुरंत रक्त और जल बह निकला। जिसने यह देखा है वही इसका साक्ष्य देता है और उसका साक्ष्य सच्चा है। वह जानता है कि मैं सच बोलता हूं, जिसे आप लोग भी विश्वास करें। यह इसलिए हुआ कि धर्म ग्रंथ का यह कथन पूरा हो जाए। उसने उसकी एक भी हड्डी नहीं तोड़ी जाएगी। फिर धर्म ग्रंथ का एक दूसरा कथन इस प्रकार है, उन्होंने जिसे छेदा है वे उसी की ओर देखेंगे। इसके बाद अरिमथिया के यूसुफ ने, जो यहूदियों के भय के कारण यीशु का गुप्त शिष्य था, पिलातुस से यीशु का शव ले जाने की अनुमति मांगी। पिलातुस ने अनुमति दे दी, इसलिए यूसुफ आकर यीशु का शव ले गया। निकोदेमुस भी पहुंचा, जो पहले रात को यीशु से मिलने आया था। वह लगभग 50 सेर का गंधरस और अंगूर का सम्मिश्रण लाया। उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों की दफन की प्रथा के अनुसार उसको सुगंधित द्रव्यों के साथ चालटी की पट्टियों में लपेटा। जहां यीशु क्रूस पर चढ़ाए गए थे वहां एक बारी थी और उस बारी में एक नई कब्र, जिसमें अब तक कोई भी नहीं रखा गया था। उन्होंने यीशु को वहीं रख दिया, क्योंकि वह यहूदियों के लिए तैयारी का दिन था और वह कब्र निकट ही थी। यह प्रभु का पवित्र दुख भोग है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के दिन को हम कई नामों से जानते हैं, गुड फ्राइडे, पुण्य शुक्रवार, होली फ्राइडे, दुख का शुक्रवार और विशेष दिन। क्यों गुड फ्राइडे को पूरी दुनिया में मनाया जाता है? क्योंकि आज के दिन पूरी दुनिया के लिए प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर चढ़ाए गए, क्रूस पर मर गए और क्रूस पर मरकर वह प्रभु यीशु क्रिस्त दफनाए गए। एक बड़ी जीत। जीत किस बात की? उन्होंने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, उन्होंने मौत को हरा दिया और उसने हम सबों को एक नया जीवन दिया है। नया जीवन कौन सा? उन्होंने पापों से मुक्ति प्रदान की, उन्होंने अंधकार को अपने प्रकाश से खत्म कर दिया। और हम देखते हैं आज के इस पवित्र सुसमाचार में, हमने सुना संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 30 में प्रभु कहते हैं, सब पूरा हो चुका है, मैंने पिता की इच्छा को पूर्ण किया है, मैंने पृथ्वी पर उसके उद्देश्य को पूर्ण किया है जिस उद्देश्य से मैं इस पृथ्वी पर आया था। वास्तव में पिता की इच्छा क्या थी? पिता की इच्छा यही थी कि प्रभु यीशु का दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा लोगों को उनके स्वार्थ, वासना, असंतोष और अहम से बचा ले। और प्रभु यीशु ख्रीस्त हम सभी मनुष्य को एक प्रेम का पाठ पढ़ाते हैं। वह कहते हैं, एक दूसरे को प्यार करो। क्या
पिता की इच्छा को पूर्ण कर यीशु ने अपने जीवन में क्या प्राप्त किया है? प्रभु यीशु क्रिस्त ने हमको सिखाया है, एक दूसरे को प्यार करो, गिरे हुए या नीच जात के लोगों के साथ उठना बैठना, अनाथ और विधवाओं को सहारा दिया, भूखों को खिलाया, प्यासों को पिलाया और सत्य की बात की। इसीलिए यहूदी नेता प्रभु यीशु के इस कामों को देखकर खुश नहीं थे और वह प्रभु यीशु ख्रिस्त को मारना चाहते थे। उसका जीवन खतरे में था तो भी वह अपने मिशन कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जो मिशन वह लेके आए थे इस धरती पर, वह उसको पूरा करने में लगे हुए थे। मृत्यु का खतरा होते हुए भी वे हमेशा गरीबों का साथ दिया, उन्होंने हम सभी को प्यार का पाठ पढ़ाया। क्या यीशु मरना चाहते थे? नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त मरना नहीं चाहते थे। कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता है और उसी प्रकार यीशु भी मरना नहीं चाहते थे। हम देखते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त अपने शिष्यों के साथ जैतून पहाड़ पर जाते हैं और वहां पर हम देखते हैं सदमती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 39 में प्रभु कहते हैं, मेरे पिता यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टल जाए, फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। प्रभु यीशु क्रिस्त पिता ईश्वर की इच्छा को पूर्ण करता है, वह क्रूस पर मरना पसंद करता है और प्रभु यीशु क्रिस्त सारी मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ जाते हैं। क्यों यीशु को प्राणदंड दिया गया? क्योंकि प्रभु यीशु ने जनता के सामने, यहूदियों के सामने अपने आप को प्रकट किया था और जनता यही चाहती थी, यही अभियोग लगाना चाहती थी क्योंकि इसने ईश निंदा की है। उसने अपने को ईश्वर का पुत्र होने का दावा किया है और इसीलिए यहूदी लोग प्रभु यीशु को क्रूस पर मार डालना चाहते थे। क्रूस पर मरना मतलब उस समय का एक बहुत बड़ा घोर अपराध करने वाले व्यक्ति को बहुत सारी यातना दी जाती थी, उसको पीड़ाजनक दंड दिया जाता था और वह दंड एक शर्मनाक दंड था जो एक छोटे लोगों को, एक गरीब लोगों को वह दंड दिया जाता था। लोगों ने यीशु पर आरोप लगाया, कोड़ों से मारा, उपवास किया, क्रूस पर ठोक दिया, लेकिन उन्होंने यीशु नाम को खत्म नहीं किया। यीशु का नाम आज भी जीवित है और यीशु का नाम हमेशा अमर रहेगा। उसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की। प्रभु यीशु क्रिस्त यातना सहने के बाद भी वह क्रूस पर से प्रार्थना करते हैं। हम संत लुकस के सुसमाचार में अध्याय 23 पद संख्या 34 में हम सुनते हैं, हे पिता इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, इस वाक्य पर मनन चिंतन करने की बात है। प्रभु यीशु क्रिस्त किसके लिए क्रूस पर से क्षमा मांगते हैं? उस जनता के लिए जिन्होंने उसे पकड़वा दिया, उस पिलातुस के लिए जिन्होंने उसे उसके सामने अपने हाथ धो दिए और जनता को प्रभु यीशु को सौंप दिया, उस सैनिकों के लिए जिन्होंने निडरता पूर्वक उन्हें घसीटकर कलवारी पहाड़ पर ले जाकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। नहीं, प्रभु यीशु क्रिस्त आज पिता से क्षमा मांगते हैं। वह प्रभु यीशु क्रिस्त आपके लिए और मेरे लिए पिता से क्षमा की याचना करते हैं। हम देखते हैं आज के इस
पवित्र दुख भोग में प्रभु यीशु की मुलाकात चार प्रकार के लोगों से होती है, और सबसे पहले हम देखते हैं प्रभु यीशु ख्रीस्त का मिलन यूदस से होता है। यीशु ज्योति का प्रतीक है और यूदस अंधकार का प्रतीक है, और यूदस अपने अंधकार से उस ज्योति को खत्म करने मांग रहा था, लेकिन उस ज्योति ने उस यूदस रूपी अंधकार को खत्म कर दिया और उसने उस ज्योति को हमारे लिए उजागर किया, क्योंकि प्रभु मरकर बुराई को हराता है और सत्य पर उसने विजय प्राप्त की है। दूसरी बात है प्रभु का पेत्रुस से मिलन होता है। हम जानते हैं पेत्रुस प्रभु यीशु को जानते हुए भी कई बार अस्वीकार करता है, और हम देखते हैं जब प्रभु यीशु ख्रीस्त संत योहन के सुसमाचार में अध्याय 13 पद संख्या 8 में जब प्रभु यीशु ख्रीस्त पेत्रुस के पैर धोने के लिए आते हैं, पेत्रुस उसे मना कर देते हैं। फिर हम देखते हैं जब प्रभु यीशु को पकड़ने के लिए जब सैनिक लोग प्रभु यीशु को पकड़ के ले जा रहे थे, पेत्रुस जो प्याला प्रभु यीशु पीने वाले थे उसको पीने नहीं देते हैं। वह अपनी तलवार निकालकर प्रधान याजक के उस नौकर पर चलाते हैं और उसका उसके कान को वे उड़ा देते हैं। और इस तरह से हम देखते हैं पवित्र सुसमाचार में सिमोन पेत्रुस कई प्रकार के झूठी कसमें प्रभु के सामने खाते हैं, कई प्रकार से प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मैं आप पर दृढ़ विश्वास करता हूं, लेकिन वह पेत्रुस आज मुकर जाता है, वह पेत्रुस प्रभु को टुकड़ा देता है, वह पेत्रुस प्रभु से दूर चला जाता है। तीसरी बात है पिलातुस से मिलन। दो राजाओं का मिलन होता है, एक राजा है जो सांसारिक होता है और दूसरा राजा होता है वो देविक राजा होता है। सांसारिक राजा जो पिलातुस, वह सत्य को सत्य के विषय में पूछता है, वह सत्य को नहीं पहचानता है, वह अज्ञानी राजा होता है क्योंकि वह सत्य को नहीं जानता है। वह अपनी अज्ञानता के कारण वह न्याय देता है कि यीशु ख्रीस्त को क्रूस पर चढ़ा दिया जाए। और चौथी बात है भीड़ से प्रभु का मिलन। भीड़ हम देखते हैं खजूर रविवार के दिन प्रभु के साथ चली थी, उन्होंने हालेलुया होसाना गाया था, लेकिन आज वह भीड़ सांसारिक शक्ति का साथ देती है, वह उस राजा का साथ देती है जो केवल अज्ञानी होता है, उसमें कोई ज्ञान नहीं होता है, उस शक्ति का वह साथ देती है, वह खून की मांग करती है, वह सत्य को खो देती है। प्यारे भाइयों और बहनों, इन चार बातों में हम कौन सी गिनती में आते हैं? क्या हम यूदस की गिनती में आते हैं? क्या हम पेत्रुस की गिनती में आते हैं? क्या हम पिलातुस की गिनती में आते हैं? और क्या हम उस भीड़ की गिनती में आते हैं? प्यारे भाई और बहनों, हम इन चार लोगों से या इन चार बातों से हमें दूर हटना है। हमें उस प्रभु पर विश्वास करना है जिस प्रभु ने अच्छाई पर जीत प्राप्त की है, उस प्रभु ने सत्य की जीत हासिल की है। प्रभु क्रूस पर मरकर हमें जीवन देने के लिए आज के दिन प्रभु यीशु ख्रीस्त कलवारी पहाड़ पर चढ़कर हमारे लिए उन्होंने अपने जान गवा दी है। यह क्रूस यात्रा और यह दुख भोग विशेष करके आज हमें सिखाते हैं, उन्होंने अंधकार से ज्योति में विजय प्राप्त की है, उन्होंने अज्ञानता पर ज्ञान की विजय प्राप्त की है, उन्होंने अन्याय पर न्याय की विजय प्राप्त की है, उन्होंने असत्य पर सत्य की विजय प्राप्त की है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब पूरा संसार
पूरी दुनिया एक महामारी से जूझ रही है, कोरोना वायरस, और सब लोग नाखुश है, हताश है, निराश है। जब आज हम इस गुड फ्राइडे को मनाते हैं, पूरे शुक्रवार को मनाते हैं, प्रभु यीशु क्राइस्ट ने हमारे लिए कलवारी पहाड़ पर छोड़कर उन्होंने अपने रक्त की हर एक बूंद से हमारे पापों को क्षमा कर दिया है। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु क्राइस्ट का यह रक्त, यह खून की बूंद विशेष करके उन सभी संक्रमित लोगों के लिए प्रभु अपने खून से उनको शुद्ध करे, उन्हें स्वस्थ करे, ताकि जो भी भाई बहन इस बीमारी से ग्रसित है वह पूर्ण प्रभु यीशु की कृपा से स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे और पूर्ण से स्वस्थ होकर फिर से एक बार प्रभु में आ सके और प्रभु में विश्वास करते हुए अपने जीवन को जी सके। आमेन। विश्वासियों के निवेदन। पवित्र कलीसिया के लिए प्रिय भाइयों और बहनों, हम पवित्र कलीसिया के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर सारे जगत में उन्हें शांति और एकता प्रदान करे तथा सुरक्षित रखे। हम सुख तथा शांति में जीवन बिताते हुए सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर की महिमा कर सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने ख्रीस्त के द्वारा सब लोगों पर अपने महिमा प्रकट की है। अपने दया का कार्य जारी करने के लिए तूने जो कलीसिया स्थापित की है उनकी रक्षा कर। वह सारी पृथ्वी पर फैल जाए और दृढ़ विश्वास के साथ तेरे नाम का यश गाती रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। संत पिता के लिए, हम संत पिता फ्रांसिस के लिए भी प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर ने उन्हें धर्माध्यक्ष के पद पर नियुक्त किया है। वह उनको अपने कलीसिया के कल्याण के लिए स्वस्थ और सुरक्षित रखे कि वे ईश्वर की पवित्र प्रजा पर शासन कर सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरे ही इच्छा पर सब कुछ निर्भर है। हमारी प्रार्थना सुन ले और हमारे संत पिता की प्रेम पूर्वक रक्षा कर। तेरे द्वारा शासित क्रिस्त प्रजा इन्हीं महायाजक के अधीन रहकर विश्वास और पुण्य में बढ़ती जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। याजक वर्ग तथा अन्य विश्वासियों के लिए प्रार्थना। हम अपने धर्माध्यक्ष देव प्रसाद गनावा, अन्य सभी धर्माध्यक्षों, पुरोहितों, उपयाजकों तथा विश्वासियों की सारी मंडली के लिए प्रार्थना करें। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, पवित्र आत्मा के द्वारा तो समस्त कलीसिया को पवित्र करता और चलाता है। इसकी सब परिचरों के लिए हमारा निवेदन है कि तेरी कृपा से सब के सब ईमानदारी के साथ तेरी सेवा करते रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। दीक्षातियों के लिए प्रार्थना। हम दीक्षातियों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर की असीम दया से वे उसका वचन अपने हृदय में ग्रहण करें।
बपतिस्मा में नया जन्म लेकर अपने पापों के लिए क्षमा पाए और हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के अंग बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू अपने कलीसिया की संतान की वृद्धि करता है, दीक्षातु का विश्वास और ज्ञान बढ़ा कि ये बपतिस्मा द्वारा नया जन्म पाकर तेरे पुत्र पुत्रियों में सम्मिलित हो सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। क्रिस्तीय एकता के लिए, क्रिस्त में विश्वास करने वाले सभी भाई बहनों के लिए हम प्रार्थना करें। वे सत्य के मार्ग पर चलते जाए और प्रभु ईश्वर उन्हें अपने एकमात्र कलीसिया में एकत्र कर सुरक्षित रखे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तू बिखरे हुए लोगों को एकत्र करता और संजोय रखता है, अपने पुत्र के रेवर पर कृपा दृष्टि डाल। जो लोग एक ही बपतिस्मा द्वारा पवित्र किए गए हैं, वे अखंड विश्वास और प्रेम के बंधन में एक बने रहें, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। यहूदियों के लिए प्रार्थना। यहूदियों के लिए हम प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर की वाणी सबसे पहले उन्हीं को प्राप्त हुई थी, उसकी कृपा से वे ईश्वर को अधिक अधिक प्यार करें और उसके व्यवस्थान के प्रति अधिक विश्वस्त बनते जाए। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने इब्राहिम और उसकी संतान से प्रतिज्ञाएं की थी, अपने कलीसिया की प्रार्थना कृपा पूर्वक सुन ले। जिस जाति को तूने पूर्व काल से अपनी प्रजा बनाया था, वह अपने पूर्ण रूप से मुक्ति पा सके, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते, हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो क्रिस्त में विश्वास नहीं करते हैं, वे पवित्र आत्मा की ज्योति पाकर मुक्ति के मार्ग पर आ जाएं। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, जिन्होंने क्रिस्त को अभी तक स्वीकार नहीं किया है, वह तेरी दृष्टि में निष्कपट आचरण करके सत्य को पहचान सके। हमारा परस्पर प्रेम भी बढ़ता जाए, हम तेरे दिव्य जीवन जीने का प्रयत्न करते रहें और इसी तरह पृथ्वी पर तेरे प्रेम के सुयोग्य साक्षी बन जाए, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। उनके लिए जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते हैं, ईश्वर को नहीं मानने वालों के लिए हम प्रार्थना करें कि सच्चे हृदय से भला आचरण करके ईश्वर को जाने। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने मनुष्य को बनाया है कि वे तुझे पाकर ही विश्राम ले, ऐसी कृपा कर कि हानिप्रद विद्य बाधाओं के बीच भी सब लोग तेरे स्नेह चिन्ह पहचाने और विश्वास के भले कार्य देखकर तुझको सच्चा ईश्वर और मानव का पिता सहर्ष स्वीकार करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। राज्य शासकों के लिए, सभी राज्य शासकों के लिए भी हम प्रार्थना करें। प्रभु ईश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उनका मन और हृदय संचालित करे, जिसे वे सबके लिए सच्ची शांति और स्वतंत्रता का प्रबंध कर सके। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, सब मनुष्य के विचार और सब राष्ट्र के अधिकार
तेरे ही हाथों में है। हमारे शासकों पर दया दृष्टि कर, तेरी सहायता से पृथ्वी के कोने कोने में शांति सुरक्षित रहे, राष्ट्र समृद्ध होते जाए और धर्म की स्वतंत्रता बनी रहे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। विभिन्न आवश्यकताओं के लिए। प्रिय भाइयों और बहनों, हम सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह संसार को सभी भ्रांतियों से मुक्त करे, सब रोगों को चंगा करे, अकाल दूर रखे, बंदीगृह खोल दे, बेड़ियां तोड़ डाले, राहियों को निरापद रखे, यात्रियों को सुकुशल वापस लाए, रोगियों को स्वस्थ और मरने वालों को मुक्ति प्रदान करे। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तूने दुखियों को दिलासा, पीड़ितों को धीरज देता है, संकट में पड़े लोगों की दुहाई तेरे पास पहुंचे और सबके सब अपनी विपत्ति में तेरी दया का सहारा पाकर आनंद का अनुभव करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए,
तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं और हमें परीक्षा में न डाल परंतु भय से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त मैं तेरा शरीर और तन बना हूँ यह मेरे लिए विचार उड़न का कारण बने बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप भर लेता है धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए जाते हैं। प्रभु हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर तूने अपने पुत्र यीशु क्रिस्त की पुण्यदायी मृत्यु और पुनरुत्थान द्वारा हमारा नवनिर्माण किया है। इस दयापूर्वक कार्य का फल हम में सुरक्षित रहे। इस संस्कार में भागी होकर हम आजीवन तेरी सेवा में तत्पर रहे। हमारी प्रार्थना सुन हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमेन। हे प्रभु अपने पुनरुत्थान की आशा में तेरी प्रजा ने तेरे पुत्र की मुक्तिदायी मृत्यु की स्मृति मनाई है। इस प्रजा पर तेरी आशीष उतरे इसके पाप धुल जाए इन्हें सांत्वना मिले इसका विश्वास बरता जाए और उसकी अनंत मुक्ति सुनिश्चित हो जाए हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। कोड़ों की
साचों का ताज सर पर जालिमों ने जो रखा था, काटों का ताज सर पर जालिमों ने जो रखा था, दर्द सहते ही रहे क्यों मेरे प्यार में मसीहा, तुम इतने घायल प्यार में।